सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संत कबीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के बारे में. सो हाय, माय नेम इज अर्शी खान एंड वेलकम टू माय चैनल. सो अहमदाबाद में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, राइट फ्रॉम निर्मा टू माइका टू आई एम अहमदाबाद एंड अपार्ट फ्रॉम इट और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी यू नो इंस्टीट्यूशन जो कि बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं. दैट इज द रीजन आई एम हियर विद द वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हेन इट कम्स टू संत कबीर, इट इज, अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो ये स्किप्स के नाम से जाना जाता है. तो बॉस, अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो 2008 का साबिश कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कैंपस साइज 50,000 जो है वो स्क्वायर फिट है, AICTE अप्रूव्ड है, अहमदाबाद में है, फुल टाइम कोर्सेज कराता है, ये सारे एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन लेता है और कोर्सेज में जो है वो PGDM ऑफर करता है. ये कई सारी रैंकिंग है और जब भी बात रैंकिंग की होती है आपको पता है ना कि मैं हमेशा एक ही चीज़ बोल रही होती हूँ कि आप चाहो तो आप NIRF की कंसिडर कर सकते हो, बट रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर टू टिक एडमिशन इन टू अ कॉलेज, बिकॉज बहुत सारी जगह बहुत सारे पैसे दे के भी रैंकिंग ली जा सकती है. तो अगर तुम सिर्फ रैंकिंग के बेसिस पर एडमिशन लोगे तो तुम पछताओगे और फिर कहोगे कि यार मैंने तो आप ही के कहने पर एडमिशन लिया था. तो मैं आपसे कहूँगी कि यार मैंने तो बोला था रैंकिंग के बेसिस पर एडमिशन मत लेना. देन अगर हम कोर्सेज की बात करें तो ग्रुप डिस्कशन होता है, रोल प्ले, सेमिनार्स, केस स्टडीज मेथड, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, देन कोलोजियम होता है, वर्कशॉप होती है, लाइफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें करिकुलम में इंक्लूड है. नाउ कमिंग टू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन विद ISEC, देन कोलैबोरेशन विद CII UK, देन कोलैबोरेशन विद अजमान यूनिवर्सिटी, कोलैबोरेशन विद IIBM बिजनेस स्कूल, राइट, ये सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हैं. नॉलेज पार्टनर्स की हम बात करें तो चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट UK, राइट, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड DELNET, ये सारे कॉर्पोरेट कोलैबोरेशन है. कमिंग टू द फी स्ट्रक्चर, 5 लाख के आसपास का फी स्ट्रक्चर है. दिस इज 45,000, देन 20 डेज में 1,50,000, देन 1,50,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है दैट इज 1,50,000. तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 लाख 6 लाख के आसपास का फी स्ट्रक्चर है व्हेन इट कम्स टू संत कबीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद. नाउ एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यार इट्स लाइक वेरी सिंपल, बहुत सारी प्रोसेस यहाँ लिखी हुई हैं. स्क्रीनिंग होता है, इंटरव्यू होता है, आपको सिंपल सी चीज़ है 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, देन आप ये सारे एंट्रेंस कैट, जैट, सीमैट, इनके बेसिस पे आप फॉर्म फिल करते हो, यू गो फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और उसी के बेसिस पे एडमिशन होता है. एडमिशन मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, 10 में से 9 या 8 बच्चों को एडमिशन मिल जाता है व्हेन इट कम्स टू दिस इंस्टीट्यूशन. तो ये सारी स्टेजेस हैं जिसको मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ अगर हम बैच प्रोफाइल की बात करें तो 48% फीमेल है, 52% जो है वो मेल कैंडिडेट्स हैं. डुअल स्पेशलाइजेशन 71%, लाइक फाइनेंस मार्केटिंग 71%, 12% HR मार्केटिंग एंड 17% दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग. नाउ कमिंग टू प्लेसमेंट्स, 4.5 का एवरेज पैकेज है, 10 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, 429 कॉर्पोरेट टाइप है और प्लेसमेंट इंटर्नशिप 100 इतने ऑफर्स हैं. नाउ कमिंग टू अ थिंग कि अगर आप 5 लाख की फीस के हिसाब से एवरेज देखोगे तो ROI है, राइट, पर अगेन लिस्ट में और कौन से दूसरे ऑप्शन हैं, क्या प्लेसमेंट में फ्लक्चुएशन है, बिकॉज थोड़ा बहुत डिप हर जगह रहता ही है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो. नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो नीचे जो फॉर्म का लिंक दिया है उसको फिल करके भी डिटेल्स ले सकते हो. मैं फिर वही कहूँगी, बच्चों से बात करो फिर फाइनल डिसीजन करो, बिकॉज मेरे हिसाब से आई नॉट से कि बुरा कॉलेज है, फीस के कंपेरिजन ROI है, बट और बेटर ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा सा अगर आपका कोई एंट्रेंस नहीं दिया है, बजट इतना ही है, तो फिर आप देख सकते हो. बट अगेन प्रोफाइल की बात आएगी और प्रोफाइल के हिसाब से जानना है तो आप नीचे का फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं. देन मेजर रिक्रूटर्स में ये सारी कंपनीज हैं, FMCG रिटेल में ITC, नेस्ले, कॉलगेट, क्लॉग्स, कैडबरी, ब्रिटेनिया, बैंकिंग HDFC, सिटी बैंक, येस बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक, मैन्युफैक्चरिंग अडानी, बर्जर, एशियन पेंट्स, सीरा, ये सारी कंपनीज जो हैं वो रिक्रूटर्स में. नाउ कमिंग टू द एलुमनाइज, कार्तिक पटेल, बाइजूस द लर्निंग ऐप, तुषार, जो लकिया, फेडरल बैंक लिमिटेड, देन वी हैव अक्षर पटेल, TCS, राइट, दीज आर द फ्यू एलुमनाइज आर वर्किंग विद रेनाउंड ब्रांड्स. नाउ कमिंग टू द क्लब्स, राइट, दिस इज सौदागर क्लब, फिनवेस्ट क्लब, सिनर्जी क्लब, कम्युनिकेशन क्लब, राइट, ब्रेनस्टॉर्मर्स क्लब, IAF क्लब,
देन अभिव्यक्ति क्लब, रन भूमि यू नो क्लब, सोशल सैनिटाइजर्स क्लब, लीगसी क्रिएटर्स क्लब, ट्रेडिशनल हार्वेस्टर्स क्लब, ये बहुत सारे क्लब्स हैं जो कॉलेज में ऑपरेट हो रहे हैं. 60-70% एक्टिव हैं, कुछ डेड क्लब्स भी हैं. राइट, नाउ फैसिलिटीज की बात करें तो एसी क्लासरूम्स, वाईफाई, कंप्यूटर लैब्स, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर गेम्स, सेमिनार हॉल्स, रूम्स, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला. एंड फैकल्टीज जो हैं वो आई डोंट थिंक सो कि क्योंकि नाम मेंशन नहीं है. राइट, बट या फुल टाइम फैकल्टीज हैं एंड कुछ गेस्ट फैकल्टीज हैं जो आते हैं. कमिंग टू द कंक्लूजन, सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप इस कॉलेज को देख रहे हैं और हो सकता है आपकी लिस्ट में कुछ और ऑप्शंस हो, उन ऑप्शंस में इसको कहाँ रखना चाहिए, ये एक सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए. एवरेज पैकेज आप अगर 50,000 भी कम करते हैं तो उस हिसाब से देखिए कि आपको ROI मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एंड देन फाइनल डिसाइड करिए. सो दिस वॉज मी आशी खान साइनिंग ऑफ, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.